हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जुनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज जो है सरकारी, सभी सरकारी संगठक कॉलेज, उनमें एडमिशन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं और एडमिशन फॉर्म के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो बारी बारी से मैं जरूरी बातें आपको बताऊंगा, तो अंत तक इस वीडियो को देखें जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो सब मैंने कुछ लास्ट वीडियो में कमेंट पढ़ रहा था, काफी बच्चों की कंफ्यूजन है कि सर ये राजस्थान कॉलेज में बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए है, कौन से कोर्स होते हैं, महाराजा कॉलेज गर्ल्स बॉयज के लिए है क्या, महारानी कॉलेज में कौन कौन से कोर्स होते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं, इन सभी कन्फ्यूजन सभी डाउट्स को मैं दूर करूंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ महाराजा कॉलेज की, तो महाराजा, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज तीनों एक बॉयज कॉलेज हैं और तीनों में यूजी कोर्स होते हैं। अगर महाराजा की बात की जाए तो महाराजा में साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं वो यूजी कोर्स के लिए, बीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, एडमिशन करते हैं, एडमिशन फॉर्म भरते हैं। मैथ्स से और बायोलॉजी दोनों स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं फॉर्म भर सकते हैं। कॉमर्स कॉलेज की बात करो तो कॉमर्स कॉलेज में जो कॉमर्स से जो विद्यार्थी पास होते हैं ट्वेल्थ में वो फॉर्म भर सकते हैं, बीकॉम जो कोर्स होता है वो कर सकते हैं। अगर मैं राजस्थान कॉलेज की बात करूं तो बीए, बीबीए ये जो कोर्स होते हैं वो स्टूडेंट जो आर्ट्स से पास होते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं एडमिशन। अगर मैं बात करूं महारानी की तो महारानी एकमात्र ऐसी कॉलेज है जिसमें तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस और कुछ कोर्सेज और हैं यूजी के जो वहां पर करवाए जाते हैं। तो महारानी में जितनी भी गर्ल्स हैं अलग अलग स्ट्रीम से वो अपना फॉर्म फिल कर सकती है, जो एकमात्र सबसे बड़ी महिला कॉलेज है। अब मैं बात करूं आपकी कि आज जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 29 जुलाई से, आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन करने हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं फॉर्म में, और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। तो 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। 10th की मार्कशीट इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जो DOB होती है, वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से होती है, आगे इनरोल होने के लिए बहुत जरूरी है वो। 12th की मार्कशीट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी स्ट्रीम का पता चलता है कि आप किस स्ट्रीम से पास हुए हो। साथ ही आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी और TC आपकी और एंटी रैंकिंग, आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और एक करेक्टर सर्टिफिकेट। और अगर आपने NCC थे स्कूल में, आपने NCC क्रेडिट से हैं या NSS से हैं तो आपको कुछ परसेंट छूट मिल सकती है कट ऑफ में। जैसे आप NCC हो तो 5% छूट मिल सकती है और NSS से हो तो आपको 2% छूट मिल सकती है कट ऑफ के अंदर। तो अगर ये भी है तो इनके सर्टिफिकेट पे आप लगा सकते हो। अब हम बात करें कि जो फॉर्म फिल कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो एक वीडियो आने वाली है मेरी आज ही के दिन, मैं 11 बजे मैं वीडियो लेके आऊंगा उसमें, जिसमें आपको फॉर्म फिल करना बताऊंगा कि किस तरीके से आपका एडमिशन का फॉर्म फिल होगा। कट ऑफ की बात करो तो कट ऑफ जैसे ही आप सभी के फॉर्म भर जाएंगे, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 14 अगस्त है, 14 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे, तो उसके बाद में आपकी बारी बारी से कट ऑफ आना स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट जो कट ऑफ आएगी उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले जो स्टूडेंट होंगे उनकी कट ऑफ आएगी, उसके बाद दूसरी तीसरी कट ऑफ आ जाएगी। कट ऑफ क्या रहने वाली है उसी पे मैं वीडियो बना दूंगा एक, और वैसे मैंने प्रीवियस में एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप जाकर देख सकते हो कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है। अगर मैं कोर्स की बात करूँ, जितने भी मैंने संगठन कॉलेजों का नाम लिया है, महाराजा, महारानी, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज की बात करूँ, तो आप एक तो होता है पास कोर्स और एक होता है ऑनर्स। पास कोर्स में जनरल आपकी सब्जेक्ट होती है 3, और जो ऑनर्स होती हैं उसमें आप एक सब्सिडरी लेते हो और एक ऑप्शन सब्जेक्ट होती है आपकी। जैसे मतलब आपने केमिस्ट्री ऑनर्स दिया तो केमिस्ट्री के साथ आपको एक सब्सिडरी ले सकते हो, आप मैथ ऑनर्स भी ले सकते हो, तो आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी होते हो। तो एक सब्जेक्ट अगर आप ऑनर्स से भी कर सकते हो और पास कोर्स में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़नी होती है, तो आप दोनों फॉर्म लगा सकते हो, पास कोर्स का भी लगा सकते हो, ऑनर्स का भी लगा सकते हो, जिसमें आपका नंबर आए उसमें एडमिशन आप दे सकते हो। साथ ही मैं आपको बात करूँ हॉस्टल की, तो हॉस्टल का फॉर्म जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे उसके बाद में आपकी कट ऑफ वगैरह निकलेगी, उसके बाद में फिर आप जब फीस वगैरह जमा कराने जाओगे कॉलेज में या डॉक्यूमेंट जमा कराने जाओगे तो उसके साथ ही आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, हॉस्टल फॉर्म फिल करके आप हॉस्टल में भी एडमिशन ले सकते हो। जो आखिरी क्वेश्चन है आप सभी का, वो क्वेश्चन है कि भाई कॉलेज खुलेंगी नहीं खुलेंगी इस साल। तो अभी COVID-19 की वजह से सभी शिक्षण संस्थान जो है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, सभी बंद है। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आपके, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है इसलिए कॉलेज में फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आपके। अब कब स्टार्ट होंगी, कब खुलेंगी, कब से क्लासे लगेंगी, इसका अभी कोई पता नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। वैसे अगर फॉर्म भर जाते हैं, आपकी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो एक आपके पास माध्यम है, वो है ऑनलाइन क्लासेस का। तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी।
अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जो नए हैं वो जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो पर कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।